भैया कोविड के बाद अगर गलती से भी नीट पीजी का एग्जाम प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा रहा हो तो एनबी को लगता है मजा नहीं आ रहा है। तो फिर क्या किया जाए? कैंसल। एंड स्टूडेंट्स का ये सब मिसमैनेजमेंट आप सबके लिए नया नहीं है, हर साल होता है। आई नो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होंगे, कुछ स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड होंगे एंड कुछ तो इवन रो रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो में हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल अप्रोच डिस्कस करेंगे जो 6 मंथ्स में लिटरली आपको बिलो एवरेज से टॉपर तक एंड आपकी ड्रीम ब्रांच तक पहुंचा सकता है। स्मार्ट वर्क स्ट्रेटेजिस्ट से लेके इनिसेट के अप्रोच तक सारी चीजें कवर की है एंड वीडियो देखने के बाद भैया आप बोलोगे मजा आया। सबसे पहली बात, भले सोशल मीडिया पे कितनी भी ज्यादा नेगेटिविटी एंड मीम्स बन जाए पोस्टपोनमेंट के जो आपको और भी ज्यादा डिस्टर्ब डिस्ट्रैक्ट एंड डीमोटिवेट ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से डिसीजन को देखोगे भैया तो इससे ऑल इंडिया रैंक 1 के अलावा बाकी हर एक स्टूडेंट को खुश होना चाहिए। यस, क्योंकि वही एक बंदा है जिसका रैंक डिक्रीज हो सकता है ये 6 मंथ्स में एंड गिर के 2nd, 10th या 100 हो सकता है। बाकी प्रैक्टिकली हर एक सिंगल स्टूडेंट के पास अपने रैंक को 1 नंबर से लेके 1 लाख नंबर तक इम्प्रूव करने का भगवान ने दोबारा चांस दिया है। चाहे आप 1 लाख पे हो, 10,000 पे हो, इवन ऑल इंडिया रैंक 2 के लेवल पे ही क्यों ना हो अभी। हाँ, रोना है तो रो लो, फ्रस्ट्रेट भी हो लो 2-4 दिन के लिए, क्योंकि इतनी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होती है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं एंड ऐसे अचानक से अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो ऑब्वियसली क्या तो मचते ही है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट उसके बाद दिमाग को शांत करो एंड थोड़ा शांति से सोचो भैया। आपकी प्रिपरेशन में अभी भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज एंड लूप होल्स थे जिसको आप इंप्रूव करना चाहते थे बट आपके पास टाइम नहीं था, जो अब आपको मिल गया है। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ये चीज फील की है कि लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, वो कहीं ना कहीं पे शॉर्ट टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे अच्छे के लिए ही होता है। हालांकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आपको इतने अच्छे से ना दिख रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जब पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको फील होगा कि नहीं यार, वो अच्छे के लिए ही हुआ था। 6 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है भैया। इवन आप अभी 50,000 के लेवल पे भी हो, ढंग से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लोगे तो 50,000 से 5,000 तक या इवन 1,000 तक पहुंच सकते हो। हाँ, 1 लाख से सीधे 10 तक तो नहीं पहुंच सकते 6 महीने में, लेकिन अगर प्राइवेट सीट की जगह पे गवर्नमेंट सीट के लेवल तक भी पहुंच जाओगे तो भी भैया जिंदगी बन जाएगी। लाखों रुपीज आपके बच जाएंगे जो आप अपने पर्सनल गोल्स के लिए लगा सकते हो बाद में जाके। भैया झूठे सपने नहीं दिखाता हूँ इस चैनल पर सिर्फ व्यूज के लिए या फालतू मोटिवेशन के लिए, बट प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल एंड हर साल करते हैं बहुत सारे बच्चे। हाँ, वो फ्रैक्शन ऑफ द नंबर बहुत ही कम होता है जो बच्चे करते हैं उनका, बट वो बच्चों में आप आ सकते हो। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, अगर सीरियस हो जाते हो अभी भी। इवन आप फ्रेशर भी हो, अभी तक तो आप नीट पीजी के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, लेकिन अब एलिजिबल हो गए हो एंड फिर भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो एंड आपको लगता है कि ड्रॉप अटेम्प्ट लेके नेक्स्ट ईयर ही आप नीट पीजी को अच्छे से दोगे, तो भी ये नीट पीजी को एक बार सीरियस अटेम्प्ट के साथ दे दो। इसमें भले आपको सीट ना मिले, रैंक थोड़ा बहुत कम आए, लेकिन भैया उस बहाने एक बेस्ट रीडिंग हो जाएगा आपका एंड थोड़ा बहुत भी अच्छा रैंक आ जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छे से प्रिपेरेशन करके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में तो इवन ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए भी प्रिपेयर कर देगा। जो लोग अभी भगवान के भरोसे या तो ड्रॉप अटेम्प्ट के भरोसे बैठे हुए थे, उनको भैया भगवान ने एक गोल्डन चांस दिया है। एंड हाँ, एक बात मुझे कभी भी समझ नहीं आई कि बहुत सारे बच्चे हर बार बोलते रहते हैं कि सर क्या पता 6 महीने में रैंक मेरा डिक्रीज भी हो जाए, अभी तक तो मेरी अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी लेकिन अब इतने सारे काउस मच गए, इतना सारा डिस्टर्बेंस हो गया तो मेरा रैंक 6 महीने में डिक्रीज भी हो जाएगा, क्या पता अगर पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ होता तो मैं अच्छे से देके आ जाता। तो भैया ऐसे कैसे रैंक डिक्रीज हो जाएगा? हाँ, अगर पढ़ाई छोड़ ही दोगे या डिक्रीज कर दोगे तो बात अलग है कि आपका रैंक डिक्रीज हो जाए, लेकिन भैया इतनी पढ़ाई अगर कंटिन्यू रखोगे तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपका रैंक डिक्रीज हो सकता है। इवन 5,000 के लेवल पे हो या 1,000 के लेवल पे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे, नॉलेज बढ़ेगा तो रैंक इंप्रूव ही होना है। फिर भी नहीं बढ़ रहा है अगर, तो मतलब कोई और बंदा है जो अपना रैंक बढ़ा रहा है एंड आपकी जगह पे वो सीट पे आके बैठा हुआ है, लेकिन किसी ना किसी का तो मेहनत के साथ रैंक इंप्रूव हो ही रहा है भैया। अगर आप भी उतनी मेहनत एंड स्मार्ट वर्क कर लेते तो आप उसकी जगह पे होते जो आपने नहीं किया, इसलिए चांस है कि आपका रैंक डिक्रीज हो गया। सो स्टॉप मेकिंग सच बेसलेस एक्सक्यूजेस एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अभी के अभी पढ़ाई पे लग जाओ। हो सकता है आपको अभी ऐसा भी लगे कि सर अभी अगर एग्जाम हो गया होता तो खत्म हो जाता एक टेंशन, अब 6 महीने और ज्यादा टेंशन लेना पड़ेगा और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो भैया नहीं, बिलीव मी कहीं ना कहीं पे बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी आपके प्रिपरेशन में जिसके साथ अगर आप ये वाला एग्जाम दे देते एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता तो बहुत ज्यादा टेंशन होने वाला था एंड उसके बाद 1 साल तक और ड्रॉप लेके टेंशन खींचने वाला था। भगवान ने शायद आपको वो 1 साल का एक्स्ट्रा टेंशन ना लेना पड़े, इसलिए शायद ये 3-4 मंथ का एक्स्ट्रा टेंशन दे दिया है। अगर आप इस चांस को यूटिलाइज कर लेते हो तो हो सकता है कि आपका उसके बाद वाला टाइम अच्छे से निकल जाए। मैं तो अपनी लाइफ में वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस को ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैंडल कर चुका हूं एंड उसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी मुझे मिले हैं भैया, एंड ऐसे ही टॉपर्स सोचते हैं। ये डिसीजन सबके लिए आया है, ऐसा तो है नहीं कि उनको टेंशन नहीं आएगा, उनको भी उतना ही टेंशन आता है, लेकिन फिर भी वो टॉप करते हैं क्योंकि माइंडसेट का भी एक अलग लेवल पे गेम चलता रहता है भैया, जो हर किसी को पता नहीं होता है, लेकिन आज आपका भाई आपको वो भी बताएगा। पूरी दुनिया अभी डाइवर्टेड है, सबको सोशल मीडिया पे अल्लाह मचा के कूल बनना है, लेकिन सबसे कम टाइम में
कम मेहनत करके इवन टॉपर्स को भी अगर पीछे छोड़ना है आपको तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। हाँ, धीरे धीरे लोग बैक टू ट्रैक आ ही जाएंगे, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर देते हो तो उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हो। एनबीए तो ऐसा हर साल करती आ रही है, लेकिन फिर भी मैरिट तो आप ही जा रहे हैं ना हर बार। मतलब कुछ लोग तो है ही है जो एग्जाम के पोस्टपोनमेंट के चक्कर में भी अच्छे रैंक ला रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, एंड अभी भी वो लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है, उनको ये डिसीजन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब डिसाइड आपको करना है कि सोशल मीडिया पे अल्लाह मचा के कूल बनना है या फिर रिजल्ट के दिन अपना रैंक सोशल मीडिया पे दिखा के कूल बनना है। अब थोड़ा सा प्रिपरेशन के रिलेटेड क्वेरीज को भी ब्रीफ में देख लेते हैं। मेरे एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि सबको सुइटेबल ना भी हो, लेकिन आपको आइडिया जरूर आना चाहिए कि भैया प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकता है ऐसी सिचुएशंस में। जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो भैया 4+2 months के सॉलिड प्रिपरेशन, 8-10 hours पर डे की मिनिमम पढ़ाई विदाउट एनी सिंगल एक्सक्यूज, चाहे घर में भाई बहन की शादी हो या कोई रिश्तेदार की मौत हो जाए, चाहे इंटर्नशिप के दौरान पढ़ो चाहे इंटर्नशिप के बाद आके पूरी रात पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर 6 महीने में अच्छा रैंक लाना है तो भैया जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अपनी लाइफ का एक और प्रेशियस ईयर वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाना है अभी से। एंड 4+2 मतलब स्ट्रिक्टली 4+2, 4 महीने को 5 महीने तक एक्सटेंड नहीं करना है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, एंड रिविजन्स का ओवर हाइप बना के फर्स्ट रीडिंग को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। अब ब्रीफ में तो ये सारी चीजें सबको पता होती है, लेकिन फिर भी हर कोई क्यों इस एंट्रेंसेस को टॉप नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ 10-15 मिनट के यूट्यूब वीडियोस देखने से अगर नेशनल टॉप किया जा सकता होता भैया तो हर कोई टॉपर होता। इन एंट्रेंसेस को क्रैक करने के लिए भैया माइंडसेट से लेकर स्मार्ट वर्क, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज से लेकर रिस्की डिसीजंस, एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के फर्स्ट डे से लेकर एग्जाम के फाइनल डे तक हर एक छोटे से छोटे फैक्टर को आपके गोल के लिए अलाइन करना पड़ता है, हर एक छोटी से छोटी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक एंड एनवायरमेंटल मिस्टेक्स को इंप्रूव करना पड़ता है, एंड हर रोज ये चीजें फॉलो करनी होती है जो एक एवरेज स्टूडेंट कभी सोच भी नहीं सकता है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू क्रैक एनी एग्जाम इवन नाउ ऑल्सो, बट नोबडी इज देयर टू प्रॉपरली गाइड देम टू रीस्टार्ट, टू गेट बैक ऑन द ट्रैक एंड टू गिव द बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट, वेदर इट्स अ यूनिवर्सिटी एग्जाम और नीट पीजी और INI और नेक्स्ट, एंड सो ऑनली आई हैव वर्कड ऑन दिस ह्यूज प्रॉब्लम एंड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑल इन वन स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर MBBS स्टूडेंट, जिसमें नीट पीजी INI या नेक्स्ट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को आप इवन ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ भी कैसे क्रैक कर सकते हो उसकी बिल्कुल डिटेल्ड माइनर से माइनर इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं खुद भी MBBS के थर्ड ईयर तक एक एवरेज स्टूडेंट ही था, लेकिन बाद में बहुत सारे रिस्की एंड अनफॉलोड पाथवेज को फॉलो करके नेशनल टॉपर बना था, लेकिन ये प्रोग्राम तभी ज्वाइन करना जब आपके पास एटलीस्ट 4 से 6 months बचे हुए एग्जाम के, लास्ट मिनट रेस्क्यू गाइडेंस के झूठे होप नहीं दिखाता हूँ मैं। पूरा प्रोग्राम मैंने खुद डिजाइन किया है एंड साथ में हर मंथली मैं लाइव ग्रुप सेशंस भी लेता हूँ जिसमें आपके प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स ऑन द गो क्लियर करता जाता हूँ। कोई नेशनल टॉपर भैया आपको ऐसे पर्सनल ऑल इन वन गाइडेंस नहीं देता है, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम देन रैंडम यूट्यूब वीडियोस। आप लाखों रुपीस कॉलेज के फीस में एंड डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स पे इन्वेस्ट करते हो फिर भी फ्रूटलेस रह जाते हो, जबकि यहाँ पे किया गया छोटा सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे सकता है। अभी तक 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट इसको ज्वाइन करके इसके बेनिफिट्स एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ जाना। अब आप पूछोगे कि सर क्या पढ़े, तो भैया अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आधा अधूरा पढ़ा है अभी तक, तो बाकी के सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स तो आपको भैया कहीं ना कहीं से एक बार तो क्लियर करने ही पड़ेंगे वीडियोस के थ्रू, लेकिन मैरो के या फिर किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म के मेन वीडियोस आर टोटली इम्पॉसिबल इन दिस शॉर्ट पीरियड। तो आपको मेन वीडियोस नहीं पकड़ने हैं, आपको जाना है सीधा मैरो के रिवीजन वीडियोस पे। यस, कितना भी ज्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाए, कितने भी ज्यादा डाउट हो कि इतना सफिशियंट है या नहीं है, फिर भी आपको वही करना है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस, TND या फिर क्रैश कोर्सेस रखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा ना आप कर पाओगे ना ही आपको जरूरत है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। मैं अक्सर अपने वीडियोस में मैरो सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, एंड पिछले 6 साल से MBBS, MS एंड इवन MCH के लिए भी मैं खुद मैरो ही यूज कर रहा हूँ। बाकी प्रमोशंस के लिए हर रोज किसी ना किसी कोचिंग के मेल आते रहते हैं, बट मैं पर्सनली हर दूसरे वीडियो में नए प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना प्रीफर नहीं करता हूँ। हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के प्लेटफॉर्म्स अच्छे नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी कोई एक प्लेटफॉर्म लेके रखा है तो उसी को कंटिन्यू करो, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नया ले रहे हो तो मेरा सजेशन मैरो का रहेगा। वीडियोज एंड फैकल्टी हो सकता है कि बाकी प्लेटफॉर्म से भी मैरो के लेवल की हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म सिर्फ वीडियो से अच्छा नहीं बनता है। क्यू बैंक से लेके टेस्ट सीरीज से लेके बाकी सारे फीचर्स टॉप लेवल के होने चाहिए अगर आपको एक नेशनल एंट्रेंस को क्रैक करना है तो, एंड उस हिसाब से मैरो मुझे सबसे आगे लगता है। साथ में वीडियोज एंड नोट्स के अलावा भैया आपको लास्ट मिनट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए करने हैं मैरो के पल्स। अब आप पूछोगे कि सर वो तो लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए है, लास्ट डे पे पकड़ेंगे, अभी क्या करना है? तो भैया नहीं, कहने के लिए वो लास्ट मिनट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन ये नीट पीजी है भैया, एंड 19 सब्जेक्ट के अगर हर एक सब्जेक्ट के 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर आपको लास्ट डे पे रिवाइज करने हैं तो भी 2000 टॉपिक्स हो जाएंगे, जो कि है ऑलरेडी मैरो के पल्स के नंबर। 2400 के आसपास टोटल पल्स है जो सीधा अगर आप लास्ट डे पे पकड़ के बैठोगे तो भैया कभी भी नहीं हो सकता है। सो डेली आज से एंड अभी से ही फ्री टाइम में, खाना खाते टाइम पे, ट्रैवल करते टाइम पे, कैंटीन में गप्पे मारते टाइम पे 5-10 पल्स करते रहना, एंड एग्जाम आने से पहले एटलीस्ट 2 से
3 बार उनसे गो थ्रू हुआ होना चाहिए, तभी आप लास्ट टाइम पे 1 या 2 दिन में उनको रिवाइज कर सकते हो। एंड सच बताओ तो अगर ये पल्स में से ही आपका 70-80% पेपर आ जाएगा, अब आप बोलोगे कि सर इतना ज्यादा पेपर अगर आ ही रहा है तो सिर्फ पल्स देके हम एग्जाम देने क्यों नहीं चले जाए, तो हाँ भैया उसमें भी चांस है कि आप अच्छा खासा रैंक तो ले ही आओगे अभी के लेवल के कंपेयर में, लेकिन वो पल्स सीधे करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो वन लाइनर से भैया। एंड जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी याद नहीं रख सकते, तो आपको पहले वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे एंड देन ये पल्स जो है वो वीडियोस में से सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा या वन लाइनर्स निकाल के आपको लास्ट मोमेंट का रिवीजन मटेरियल दे देंगे, जो कि अक्सर एक 20th नोटबुक हम बोल सकते हैं, एंड जिसके बाद आपका एग्जाम में सीधा हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिखता है। साथ में डेली एमसीक्यू सॉल्विंग को भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है भैया, एंड उसके लिए आपको करनी है क्यू बैंक, लेकिन क्यू बैंक के भी सारे के सारे मॉड्यूल्स आप नहीं कर सकते हो भैया इतने टाइम में, एंड इसलिए आपको करने है वही क्यू बैंक के मॉड्यूल्स जो आपके रिवीजन वीडियोस में कवर है। यस, रिवीजन वीडियोस में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर किए गए हैं, एंड उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो साथ में आप लास्ट मिनट रिवीजन वाले पल्स भी देख रहे हो जिसमें बचे कुछ टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे कहीं ना कहीं पे, एंड मंथली ग्रांड टेस्ट देते रहते हो, तो आपका 4 महीने इतने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद यही सेम चीज का आपको 2 या 3 बार रिवीजन कर लेना है 2 महीने में, एंड आई एम श्योर आपका नीट पीजी का पूरा पेपर इतने में कवर अप हो जाएगा। अब आप उस कैटेगरी में आते हो जिसमें आपकी अभी तक की पढ़ाई बिल्कुल ठीक से चल रही थी, रिवीजन पे आ भी गए थे एंड रिवीजन ठीक से स्टार्ट कर भी दिया था, तो आपको भैया आपने जो फर्स्ट रीडिंग के दौरान सोर्सेज यूज किए थे उसी सोर्सेज को रिवीजन के लिए यूज करना है। अगर मेरो यूज किया है तो मेरो, बाकी और कोई सोर्सेज किया है तो और कोई सोर्स, उसमें भी आपको अभी पढ़नी है सिर्फ एंड सिर्फ नोट्स, कोई मेन वीडियोज या रिवीजन वीडियोज या टेक्स्ट बुक्स या कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, नोट्स को ही 2-3 बार रिवाइज कर लो अच्छे से, टाइम बचता है तो फिर कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल देख सकते हो। साथ में क्वेश्चंस के लिए आपको करने हैं रैंडमली मेड छोटे छोटे टेस्ट जिसको मेरो में कस्टम मॉड्यूल्स बुलाया जाता है, एंड साथ में पल्स एंड ग्रांड टेस्ट देने हैं। अगेन कस्टम मॉड्यूल से लेके ग्रांड टेस्ट को कैसे देना है, कितने टिक करने हैं, किस रैंक लेवल पे कितने नेगेटिव्स अलाउ कर सकते हैं, कौन से एमसीक्यूज को छोड़ना है, नेगेटिव्स को कैसे कम करना है, टॉपर्स की एमसीक्यू सॉल्विंग की सीक्रेट ट्रिक, कैसे पूरे ग्रांड टेस्ट को विदाउट बर्न आउट सॉल्व करना है, एंड कैसे उसको टॉपर के लेवल पे एनालाइज करके नेक्स्ट ग्रांड टेस्ट में अपना रैंक इंप्रूव ही इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें डिटेल में स्मार्टिक्स पे कवर अप की गई है। एक बार डाउनलोड करके फ्री वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, आई एम श्योर आपका पूरा माइंडसेट एंड पाथवे चेंज कर देगा। अब लास्ट क्वेरी, सर मैं इनी सेट के बारे में भी कुछ बताओ, तो भैया सीधी बात नो बकवास, आपको इनी सेट देना ही देना है। एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि आधे से ज्यादा लोग तो इनी सेट को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, जो टोटली गलत बात है भैया। एडमिशन मिले ना मिले एग्जाम देने में आपको कौन सा जेल होने वाला है, जस्ट एक्सपीरियंस के लिए दे दो, ऊपर से अभी तो मौका भी है। यूजुअली इनी सेट का एग्जाम नीट पीजी के बाद होता है तो अक्सर लोग छोड़ देते हैं कि चलो नीट पीजी हो गया बात खत्म, लेकिन अभी तो एग्जाम भी आपका नीट पीजी के पहले आ रहा है। एंड एक रियलिटी चेक आपको बताऊं तो भैया सिर्फ एग्जाम देने से एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है, उस एग्जाम की अगली रात से लेके एग्जाम खत्म होने तक 1000 से भी ज्यादा मेंटल फिजिकल एंड एनवायरमेंटल छोटी मोटी तकलीफें होती है आपको, जो आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, जो आपको एग्जाम के दिन ही पता चलती है, एंड एक बार अगर आप उनको एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है, सो दूसरी बार उसके होने का चांस कम रहता है। इनी सेट का माहौल देख के आपको पता चलेगा कि भैया कैसे आपकी जो मिस्टेक्स हुई उसको इम्प्रूव करके नीट पीजी के एग्जाम के दिन पर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को एंड अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि सर इनी सेट के लिए कैसे पढ़े, एंड उसके शेड्यूल में अगर नीट पीजी का शेड्यूल भी ओवरलैप होकर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो भैया अगर आपका टारगेट अभी तक एम्स में लेने का था ही नहीं या फिर आपका लेवल टॉप 1000 के अंदर अंदर नहीं है तो आपको इनी सेट के लिए सेपरेट तैयारी नहीं करनी है, वो आपकी नीट पीजी की तैयारी एंड शेड्यूल्स को डैमेज करेगा। ये मिस्टेक हर एक एवरेज स्टूडेंट करता है, दुनिया को देख देख के एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके वो लोग सब कुछ करने जाते हैं एंड लास्ट में कहीं के नहीं रहते। ये सब बातें समय बीत जाने पे पता चलती है एंड वो ना हो इसलिए आपकी लाइफ में आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं। कंटिन्यू ऑल योर शेड्यूल्स अकॉर्डिंग टू नीट पीजी टाइम लाइन्स ओनली। अगर आपका प्राइमरी टारगेट नीट पीजी का है तो इनी सेट को देना है बट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस विदाउट एनी सेपरेट प्रिपरेशन। एंड वैसे नीट पीजी का रीडिंग अगर आप ठीक से कर लोगे इनी सेट के पहले के 4 महीनों में तो मेजोरिटी ऑफ द इनी सेट का सिलेबस भी इनडायरेक्टली उसमें कवर अप हो ही जाएगा एंड कहीं ना कहीं पे इनी सेट में आपको हेल्प हो ही जाएगी। हाँ, इनी सेट आए एंड आपको लगता है कि थोड़ा बहुत सीरियस अटेम्प्ट देना है तो लास्ट के 15 दिन पे उसका एक अलग से शेड्यूल बना के रिविजन कर सकते हो जितना अभी तक आपने पढ़ा है नीट पीजी के लिए उसी सिलेबस का। बाकी 4 महीने इनी सेट के लिए पढ़ लूंगा एंड बाद में 2 महीने नीट पीजी के लिए पढ़ लूंगा तो भैया ऐसी गलती कभी भी मत करना। Until and unless आपका प्राइमरी टारगेट एम्स में लेने का है या फिर आपका रैंक अभी 1000 के लेवल के अंदर है एंड नीट पीजी इज जस्ट अ सेकंड ऑप्शन फॉर यू, उस पर्टिकुलर केस में आपके शेड्यूल सारे इनी सेट के अकॉर्डिंग बनने चाहिए एंड उसके ऊपर अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि सुन उसको लेके आओ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टार्टिंग टुडे इज एब्सोल्युटली ओके भैया, हर कोई बंदा कभी ना कभी स्टार्ट करता ही है बट स्टार्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट। आज भी हजारों ऐसे स्टूडेंट है जो सोशल मीडिया पे रात दिन टाइम पास कर रहे हैं, वेले बैठे हैं बिल्कुल। बाय टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप
आप सीधा उनसे तो आगे निकल ही रहे हो। एंड ये वीडियो देखते टाइम पे अगर आपके एग्जाम के 4 से 6 मंथ्स बाकी है तो स्मार्टिक्स को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।